Guys, I'm Dr. Sonam Yadav. I'm a gynec specialist. Today we will discuss about amenorrhea. Amenorrhea क्या है? इसको हिंदी में हम कहते हैं कि किसी भी महिला में मासिक धर्म का आना बंद हो जाना या रुक जाना, या फिर इसको कह सकते हैं absence of menses. आज हम बात करेंगे इसके reasons पर, इसके cause पर और इसके treatment पर. सो बेसिकली हम एमिनोरिया को टू पार्ट में क्लासिफाई करते हैं. नंबर वन प्राइमरी एमिनोरिया, नंबर टू सेकेंडरी एमिनोरिया. प्राइमरी एमिनोरिया वह है जिसमें मेंसेस कभी आना स्टार्ट हुए ही नहीं हो, उसको कहते हैं हम प्राइमरी एमिनोरिया. अब बात करते हैं हम सेकेंडरी एमिनोरिया की. सेकेंडरी एमिनोरिया वो एमिनोरिया है जिसमें मेंसेस तो पहले आए थे, कंटिन्यू थे, रेगुलर थे, लेकिन अब किसी कारण की वजह से उनके मेंसेस आना बंद हो गए हैं या रुक गए हैं, या उनको किसी भी तरह की कोई भी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है. जनरली देखा जाता है कि फीमेल्स में 12 टू 13 इयर्स की एज तक मेंसेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन किसी फीमेल में यदि 16, 17 एज तक भी मेंसेस आना स्टार्ट नहीं होते हैं तो उन बच्चियों के पेरेंट्स को अपने रिप्रोडक्टिव स्पेशलिस्ट से जा कर के कंसल्ट करना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए और सोनोग्राफी करके देखनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है और किस वजह से मेंसेस आना बंद हो गए हैं. मेंसेस ना आने की दो वजह होती हैं. नंबर वन हार्मोनल डिसबैलेंस, नंबर टू यूटेराइन कॉजेज. हार्मोन की बात की जाए तो हमारे शरीर के अंदर मटर के दाने के बराबर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे सिर में स्थित रहती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन निकलते हैं. पहला FSH हार्मोन, दूसरा LH हार्मोन. FSH मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH मींस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. दो हार्मोन निकलते हैं जो कि पूरी रिप्रोडक्टिव एक्सेस में ड्राइव करते हैं. यदि किसी महिला को हार्मोनल प्रॉब्लम है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम है, तो उसके FSH हार्मोन और LH हार्मोन प्रॉपर क्वांटिटी में बनेंगे ही नहीं, और वो जब प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं बनेंगे तो जिसकी वजह से मेंसेस नहीं आएंगे. सेकेंडरी कॉज जो होता है वो होता है ओवरी में, यानी कि वो केसेस जिनमें ओवरी के अंदर समस्या होती है, यानी कि FSH और LH हार्मोन प्रॉपरली बन तो रहे हैं, प्रॉपर क्वांटिटी में बन रहे हैं, लेकिन किसी रीज़न की वजह से उनकी ओवरी फेल हो गई है, तो इसकी वजह से भी मेंसेस नहीं आते हैं, क्योंकि ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से भी मेंसेस ना आने का एक कॉज होता है. बात करेंगे यूट्रस के अंदर. यदि किसी फीमेल में यूट्रस बाय बर्थ बना ही नहीं है, यानी कि एब्सेंस ऑफ यूट्रस है, तो उस केस में भी मेंसेस स्टार्ट नहीं होते हैं, और ये भी कॉज है प्राइमरी एमिनोरिया का. स्टेप में हम बात करते हैं प्राइमरी एमिनोरिया के ट्रीटमेंट की. फर्स्ट टू रीजंस में पिट्यूटरी में से अगर FSH और LH हार्मोन प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं निकलते हैं, या फिर ओवरीज में से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम निकलता है, तो हम ओरली सप्लीमेंट दे करके या फिर ओरली मेडिकेशन करके हॉर्मोन्स दे सकते हैं, जिनकी वजह से मेंसेस आना स्टार्ट हो जाएंगे और फर्दर गर्भधारण में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. लेकिन इसमें महिलाओं को एक विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि गर्भधारण के लिए, इन महिलाओं के लिए ज़रूरी है कि ये विशेष ट्रीटमेंट लें. महिला का यूट्रस ही नहीं बना है तो उस केस में हम यूट्रस ट्रांसप्लांट की सलाह देते हैं, या फिर सैरोगेसी प्लान करने के लिए कहते हैं. इनको नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता है. बात करेंगे सेकेंडरी एमिनोरिया की. सेकेंडरी एमिनोरिया का मतलब है कि फीमेल्स में कंटिन्यूसली मेंसेस आ रहे थे, लेकिन अब किसी कारण की वजह से उनके पीरियड रुक गए हैं. इसमें मेन कॉमन जो कारण होता है वो होता है कि प्रेगनेंसी का होना, क्योंकि जब हम प्रेगनेंसी पॉजिटिव देखते हैं या UPT पॉजिटिव देखते हैं, उसमें सबसे पहले मेंसेस आना बंद हो जाते हैं या रुक जाते हैं. तो ये मेन कारण होता है सेकेंडरी एमिनोरिया का. सेकेंड कॉज जो होता है वो होता है मीनोपॉज. मीनोपॉज क्या होता है? मीनोपॉज को हम जानते हैं कि मीनोपॉज की जो एज होती है वो 51 होती है, लेकिन कभी कभी ये एज बहुत जल्दी आ जाती है, यानी कि 48 में या 47 में ही देखने को मिल जाता है, जिसको हम प्री मेच्योर मीनोपॉज कहते हैं, जो कि इवन 20 से 30 ईयर में भी मीनोपॉज
हो सकता है, यानी कि मेंसेस आना रुक सकते हैं, तो उसको भी हम कहते हैं प्री मेच्योर मीनोपॉज। इसके अलावा प्रेगनेंसी और मीनोपॉज कारण नहीं है तो इसमें तीसरा कारण आता है हॉर्मोनल डिसबैलेंस का, जिसमें कि देखा जाता है कि पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, शरीर में TSH, FH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सभी हॉर्मोन मेंसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। यदि इनमें कहीं पर भी इम्बैलेंस हो गया है तो इसके कारण भी पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। कॉमनली यदि किसी महिला को ओवुलेशन नहीं हो रहा हो तो उसके शरीर में प्रोजेस्टेरोन नहीं बनता है, प्रोजेस्टेरोन के अभाव के कारण की वजह से मेंसेस आना रुक जाते हैं। ऐसे केसेस में हम प्रोजेस्टेरोन को बाय टैबलेट फॉर्म हम पेशेंट को देते हैं, जिससे मेंसेस वापस आना स्टार्ट हो जाते हैं। एक और रेयर कॉज होता है मेंसेस बंद होने का, जो कि होता है यूट्रस में कोई भी इन्फेक्शन हो जाना या फिर एडिसन हो जाना। इसको मेडिकल टर्म में कहते हैं एशरमन सिंड्रोम। इसमें सभी हार्मोन नॉर्मल रहते हैं लेकिन यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और इसमें भी मेंसेस आना बंद हो जाते हैं। ये भी एक कॉज है सेकेंडरी एमिनोरिया का। दवाइयाँ और हार्मोन देने के बाद भी मेंसेस वापस आना शुरू नहीं होते हैं और इस ऐसे केसेस में इन्फेक्शियस ट्रीटमेंट आवश्यकता अनुसार दे करके उसकी सही देखभाल करके एक अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। तो हम बात करते हैं मेनली इसके ट्रीटमेंट पर। तो इसमें क्या होता है कि ऐसी कोई महिला जिसमें मेंसेस आना बंद हो गए हैं तो उनका डॉक्टर जो है वो सबसे पहले उनकी TBS यानी कि ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करा करके यूट्रस की और ओवरी की पोजीशन चेक करते हैं और पोजीशन चेक करने के बाद हार्मोनल प्रोफाइल करते हैं या TSH, प्रोलैक्टिन, FSH, LH और कुछ केसेस में AMH टेस्ट किया जाता है। इन इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी डायग्नोसिस बनती है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करते हैं। इस रुकना बीमारी का एक सिम्टम है, यह अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। इसके रीजंस को, इसके कॉजेस को जान करके इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, इसे किसी को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और आपकी जो भी क्वेरीज हैं उन सबको मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।